हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक्स करें एंड शेयर करें। आज का लेक्चर है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर क्या है? इट इज़ डिटरमाइंड द शार्पनेस ऑफ द रिजोनेंस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, पिछला लेक्चर देख लो, समझ बिल्कुल समझ में आएगा। रिजोनेंस जिसने समझ लिया उसे सब समझ में आएगा। मेरा पिछले लेक्चर में रिजोनेंस के बारे में पूरा बढ़िया करके बताया है। अब इसमें क्या है जो है रिजोनेंस, अब यो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इसके लिए देखो यहाँ पर ये क्या है। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए के जितना रिजोनेंस होगा, ये रिजोनेंस हो गया ठीक। ये पहले फ्रिक्वेंसी ये थी, लेकिन अब इसे कैसा हो गया, ये ऐसा हमारी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है बहुत हाई हो गया अब, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यो वाला एम्पलीट्यूड बढ़ गया, पहले इतना था अब देखो कितना दुगना हो गया। इसे जो है एंगुलर रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहेंगे, एंगुलर रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहेंगे। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला पूछता है, इसके ज़्यादा बारे में नहीं पूछने का, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। इसके बारे में जितना पूछता उतना ही मैंने इसमें करके दिखा दिया। क्यू क्वालिटी फैक्टर, क्यू एंगुलर रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एंगुलर रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये होती है एंगुलर एंगुलर रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी, यानी कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, और ये ऊपर आ गया। इसका दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से भी होता है, ओमेगा एल अपॉन आर या एक्स सी अपॉन आर एक्स एल अपॉन आर, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर। या ये वाली चीज़, ये वाला फॉर्मूला वन अपॉन आर रूट के अंदर एल अपॉन सी, और ये इक्वल या इस तरीके का किसी भी तरीके से फॉर्मूला, और इन पर ये वैल्यू देगा और तुमसे पूछ लेगा कि इसका क्वालिटी फैक्टर कितना है। तो ये ठीक, ओके, आज का लेक्चर यहीं समाप्त।